नमस्कार मित्रों, योगिनियों की साधना में मुख्यतः कामेश्वर योगिनी को सर्वोपरि कहा जाता है, अर्थात अपने भक्तों के सभी मनोवांछितों को पूर्ण करने में कामेश्वर योगिनी सक्षम मानी जाती है। इसलिए प्रायः सभी लोग कामेश्वर योगिनी की साधना करते हैं, क्योंकि योगिनी की साधना करने से हमें हर प्रकार के भौतिक, आध्यात्मिक और सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, जिससे हम वंचित रह गए हैं। अर्थात हमारे जीवन में जो जो कमियां होती है, जिन जिन कमियों की वजह से हम दुखी रहते हैं, हमारी कोई मनोकामना पूरी नहीं होती है या हमारा कुछ जीवन में बड़ा लाभ हमें प्राप्त नहीं होता है, हर प्रकार की समस्याएं जो जीवन में हमारे होती है, चाहे भौतिक रूप से हो, चाहे आध्यात्मिक रूप से हो, चाहे किसी भी प्रकार से हो, तो उन सभी को दूर करने में कामेश्वर योगिनी अग्रणी है और वह सक्षम है। और इस योगिनी की साधना करने से हमें हर प्रकार के वो सामर्थ्य, हर प्रकार के वो सुख भौतिक आध्यात्मिक प्राप्त होते हैं, जिसकी हमारे जीवन में कमी है। इसलिए अवश्य ही हर व्यक्ति को एक बार जीवन में जरूर कामेश्वर योगिनी की साधना अवश्य करनी चाहिए। और यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई लोगों ने जो इस सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं और अनेकों लक्ष्य जीवन के वो प्राप्त कर चुके हैं, यह साधना जो है वो रात्रिकालीन साधना है और शुक्रवार की रात से इस साधना को किया जाना चाहिए। शुक्रवार की रात से इस साधना को आप आरंभ करें, अपने जिस कक्ष में आप साधना कर रहे हैं उस कक्ष को स्वच्छ रखें और आपका मुंह उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और सामने कामेश्वरी योगिनी के यंत्र को स्थापित करें और उसके पास पंचोपचार पूजन करके आप संकल्प लेकर के संकल्प में अपना नाम, गोत्र, स्थान का उच्चारण करके आप यह साधना आरंभ कर सकते हैं। और यह साधना बड़ी ही अलौकिक और दिव्य साधना है, इसलिए हमें इस साधना का जरूर फायदा उठाना चाहिए। वैसे तो मुख्य रूप से कम 21 दिन तक यह साधना की जानी चाहिए, मगर कई बार देखा गया है कि कुछ लोगों को प्रथम बार में ही अनुभव प्राप्त हो जाता है, किसी को दूसरे दिन, तीसरे दिन में भी अनुभव या दर्शन प्राप्त हो जाता है। देवी स्वप्न वार्ता भी करती है, अर्थात साधक जहाँ साधना करता है उसी कक्ष में उसको सोना पड़ता है, तब देवी शुरुआती दिनों में उसके स्वप्न में आकर के भी उसकी इच्छाओं को पूर्ण करती है एवं उससे वार्तालाप भी होता है। और यह साधना पूर्ण होने पर हमें साक्षात देवी का दर्शन प्राप्त होता है और देवी का दर्शन स्वरूप देखते ही इंसान का सारा डर चला जाता है और वह देवी के अलौकिक स्वरूप, सुंदर स्वरूप को देख करके बड़ा ही मोहित हो जाता है। और ऐसे समय में देवी को साष्टांग प्रणाम करें, उसे अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य तांबे के लोटे में आप जल भरकर तैयार रखें, क्योंकि रात्रिकाल में जब देवी आती है तो उस समय उनको प्रणाम करके पुष्प आदि अर्पित करके आप उनको अर्घ्य प्रदान करें। उसके पश्चात आप देवी से वचन मांगें और वचन के अंदर जो भी आपकी मनोकामना और इच्छा होती है उसे हमें देवी से ज़रूर मांगना चाहिए। इस प्रकार से इस साधना को संपन्न किया जाता है। अब मैं आपको इसका मंत्र और ध्यान बताने जा रहा हूँ, जो कि इस प्रकार है। इस कामेश्वरी योगिनी का ध्यान है, कामेश्वरी शशांका श्याम खेलत खंजन लोचनाम सदा लोलगतिम कांताम कुसुमास्त्र शिलीमुखीम। यह ध्यान है और घी का दीपक लगाने के पश्चात में आपको सर्वप्रथम ध्यान को बोलना पड़ता है, तत्पश्चात आप मंत्र जब आरंभ करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम आगच्छ कामेश्वरी स्वाहा। मंत्र दोबारा सुने, ओम ह्रीम आगच्छ कामेश्वरी स्वाहा। इस मंत्र की आपको निरंतर कम से कम 51 माला जरूर करनी है और माला को बढ़ाया भी जा सकता है, कई लोग 100-150 माला भी करते हैं। और शीघ्रता से दर्शन पाने के लिए जप को बढ़ाना आवश्यक होता है और एकांत स्थान में आप साधना करें, जहां जो स्थान पवित्र हो, और अकंपन भाव से साधना करें, बिना हिले डुले और शांत वातावरण हो, इस प्रकार का आपको ये बातें ध्यान में रखनी जरूरी है। धन्यवाद।